हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स गॉसिप। हाँ, मैं थोड़ी हाँफ रही हूँ, सीढ़ियों से आ रही हूँ ना भाग भाग के। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्लॉट देखने के लिए। मेरी बुआ सास आई हुई है देहरादून, जो कि दिल्ली रहती हैं, तो उनको देहरादून में प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसलिए हम लोग प्लॉट देखने जा रहे हैं। तो पहली साइट हम लोग देखने जा रहे हैं शहस्त्रधारा में, वहाँ पर एक नई प्लॉटिंग हुई है। तो आइए आप लोग को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसी प्लॉटिंग वहाँ पर हुई है, ताकि आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो, अगर आप लोगों को भी फ्यूचर में लेना हो या अभी भी लेना हो, क्योंकि यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी लेना होगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उनसे पूछ लूँगी जिनसे जिनकी ये साइट है। तो लेट्स गो, वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो, और अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पीछे घूमी जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। मंदिर जा रहे हैं? हाँ। कौन से मंदिर? दूसरे वाले मंदिर। दूसरे वाले? दूसरे वाला। व्यू को कितना गम्मा लग रहा है ना? और व्यू एक्टिंग क्यों करता है? क्यों कर रहा है व्यू एक्टिंग? वो पहले को क्या है? ये हम लोग गलत रास्ते पे आ गए थे, यहाँ से ऊपर आ गए थे, अभी हमें और आगे जाना है। हम आ नहीं गए थे, बोल मैं लेके आई। बोलो बोलो, वैसे तो तुम्हारी जुबान खुलती नहीं है ना, बोलो। कहाँ मैं मनीषा पे काउंटर मारूं? ये देखिए, ये है साइट। अभी ये जो भैया हैं, ये हमें बताएंगे कि कौन कौन से इनके प्लॉट हैं। इसका हाथ पकड़ लो माँ, ये कहीं इधर अच्छा, एक रोड ये यहाँ से आ रही है। क्या गेटेड सोसाइटी बनेगी क्या भैया? ये आप लोग बना के देंगे या नहीं? हमारा तो जमीन प्रॉपर्टी बेचने का काम है ना, मतलब जमीन जमीन विलास
ये क्या, ये वाला पैच भी आपका? ये जी, ये पैच भी हमारा। इसकी रोड कहाँ है? इसकी रोड इसमें ये जो पुस्ता लगा रहा है ना, हाँ हाँ, इससे अंदर अंदर जाएगी 30 फीट। 30 फीट, अच्छा। बाकी इसमें दो पैच आ जाएंगे, ये ऊंचा रहेगा, ये थोड़ा डाउन रहेगा, मतलब ना। अच्छा, एक एक वो हो गया, एक ये हो गया, और वो उस साइड प्लॉट है, अभी वो कट रहा है वहाँ से ना, वो हमारी कटिंग चल रही है उसमें। ये तो पहाड़ काट रहे हैं आप लोग, ये गवर्नमेंट की तो नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट तो ऊपर है ना इसमें। हाँ। ये तो हमारा अपने लिया हुआ है। तो अभी फिर कैसे पता लगेंगे प्लॉट्स वगैरह, मतलब यहाँ पर देखने आए हैं साइट? मैं इसमें दिखाता हूँ ना आपको मैप में। अच्छा, देख लो, ये तो आगे इसमें 35 फीट की रोड ये वाली, ठीक है। और ये है इसमें प्लॉट उस साइड के, हाँ जी। और ये है इसमें साइड के प्लॉट, ये ऊपर वाले हैं और ये है नीचे वाले, इस वाले में। ये 30 फीट की रोड है इसमें, और ये है 35 फीट। बाकी ये फाउंटेन दे रखा है ना, दो रोडों का, दोनों वहाँ हो जाएंगी जॉइंट। बाकी ये जो है ये सिंगल प्लॉट है ये वाले, वो फर्स्ट में उधर। बाकी ये तो इधर ये फर्स्ट वाले हैं, ये फर्स्ट वाले कहाँ, जहाँ पर हमने कम पीछे रुके थे। जी जी, ये वाला है। फ्रंट है। ये तो वाले आ गए। हाँ जी, फ्रंट कितने कितने हैं इनके? 40-40? 40 या 38 है। 40, 38, 50 ऐसे ही है सर, 55। ये सब वेस्ट फेसिंग है। ये क्या है यहाँ पर? ये भी प्लॉट है? हाँ जी, ये प्लॉट है। यहाँ पे हमारा एक वाटर टैंक है ना। अच्छा, उस कॉर्नर पे। अच्छा, स्रोत का पानी आता है ना। अच्छा, ये इधर भी नदी है अपना, दिखाओ। चलो नीचे दिखाता हूँ। हाँ चलिए। विवियन कहाँ आए, कहाँ आए? हम जंगल में आए। नहीं काटेगा बेटा। ये देखिए, जहाँ पर हमने ये कार खड़ी करी है, ये जो है ये 35 फीट की रोड है, उसके उस साइड भी प्लॉट है, ये इस साइड प्लॉट है। एक तीन पैचेस हैं इनके, एक वो वाला, एक ये वाला, और एक ये नीचे जहाँ पर हम आपको अभी लेकर चल रहे हैं। बीच में इनके फाउंटेन भी है यहाँ पर। अभी डेवलप हो रही है, नई प्लॉटिंग है इनकी। माँ इसका हाथ पकड़ के रखना। ये देखिए, ये इनका थर्ड पैच है, ये नीचे है, बाकी ये जो है ये ऊपर वाले पैच है। इसकी रोड दो साइड से आ रही है, एक तो जहाँ से हम लोग आए वो वाली, और एक ये यहाँ से, ये देखिए ये दिख रही है आगे, ये आगे से आएगी यहाँ से। यहाँ पे भी अभी हमारा ऐसे जैसे लगा हुआ है ना, यहाँ पे बीच में पुस्ता आ जाएगा, यहाँ पे आएगा जी, ये पैचा लग हो जाएगा, ऊपर वाला लग हो जाएगा। अच्छा, पापा मतलब पीछे वाले के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन होगा बोथ साइड, जो उनका जो ऊपर वाले ना उनका रोड तो वो हो गया फ्रंट वाला। हाँ हाँ, इनका ये नीचे वाला इनका रोड ये हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ पर बीच में एक इतना ही बड़ा पुस्ता लगेगा, वो मतलब दोनों के लिए कॉमन होगा। बस ये कि थोड़ा हाइट रहेगा उसमें, 5-6 फीट का ऊपर नीचे ना डाउन। अच्छा, ओके, डाउन में। ये पानी ज्यादा तो नहीं आता बरसात में? आता तो होगा, बरसात में बढ़ जाता है। कितना बढ़ता होगा अभी तो मैडम मैंने नहीं देखा कितना बढ़ता है, लेकिन बढ़ जाता है बरसात में तो बढ़ जाता है पानी। नहीं, कहीं यहाँ ना आए ना इन प्लॉटों तो नहीं आएगा मैम, तभी हमने तो काफी दूर बनाया इससे। यहाँ पर हमारी ये कार खड़ी है, यहाँ से और आगे तक है ये प्लॉटिंग। और जिस रोड की मैं आप लोग को बात करती थी, एक तो जहाँ से हम लोग आए, और एक रोड ये वाली है, आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ तक ये देखिए इनका, ये यहाँ तक है, ये पानी की टंकी है ना, यहाँ तक इनके प्लॉटिंग है। यहाँ से ये नीचे चल जाएगी, और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं फाउंटेन एक बना के देंगे, और लास्ट में जब कुछ घर बन जाएंगे उसके बाद ये रोड भी बना कर देंगे यहाँ पर। देखिए, आपको ये दिख रहा होगा ना, ये जो गड़ा हुआ है ये प्लॉट है, और ये इसकी रोड है 35 फीट।
आइए चलिए कम आराम से। व्यू दादी के साथ रहो, दादी के साथ रहो, दादी का हाथ पकड़ो, मम्मी ये बना रही है बेटा वीडियो। नहीं व्यू नहीं आएगा, ये देखिए दिख रही होगी आपको रोड साफ साफ दिख रही होगी, और ये हैं ये प्लॉट्स हैं इनके, तो यहाँ पे 150-200 फार्म हाउसेस के लिए भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ का जो प्राइस है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, जो ड्रोन शूट से ये जो प्लॉटिंग जब की गई थी उस टाइम पे जो शूट किया गया था, वो जो ड्रोन शूट किया गया था वो आप लोग देख लीजिए पहले इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने आप लोगों को ये साइड दिखाई अभी, ये व्यू बहुत परेशान कर रहा है सच में। आप लोग समझ सकते होंगे कि मॉम बीइंग अ मॉम एक व्लॉगिंग करना बाहर कितना टफ है। ये देखिए, ये देखिए इसे जरा, ये भाग रहे हैं यहाँ पर ऐसी नॉन स्टॉप, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो मैंने आप लोग को ये प्लॉटिंग दिखाई शहजरा वाली, ये जो इसका प्राइस है, ये प्राइस मांग रहे हैं 13,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, 13,000 रुपये पर गज। तो बाकी आप लोग टेबल में बैठ के, मतलब अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग टेबल में बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट भी हो सकता है आई गेस। मैंने पूछा नहीं अभी, क्योंकि अभी बुआ ने प्लॉटिंग देखी है, अभी हम लोग इनकी दूसरी प्लॉटिंग में जा रहे हैं माल देवता वाली, तो देखते हैं बुआ को कौन सा पसंद आता है, तो फिर बात करेंगे अगर इन लोग को समझ में आ रहा है तो। देखिए हम लोग यहाँ से आए थे, ये अमूल्य में ना, यहाँ से ऊपर हम लोग आए थे, उस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कॉल आ गया था इन भैया का। अब ये यहाँ से हम लोग जा रहे हैं माल देवता, कि इनकी जो दूसरी प्लॉटिंग है वो ये है। अभी वापसी में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, क्योंकि इनके साथ फोन में कोऑर्डिनेट कर रही थी इसलिए उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई। देखिए ये देखिए, हमने यहाँ से एंटर किया, ये आई गेस प्लॉट्स जो हैं काफी बिक चुके हैं। बस यही यहाँ पे बाकी है।
ये बाकी है, फिर उसके बाद बाकी है। हाँ जी सर, ये है ये डिमार्केशन यहाँ से, और जो पत्थर की डिमार्केशन लास्ट खत्म हुई ना, ये फ्रंट जो है 60 है गहरा, ये भी 60 है, 60 बाय 60, 400 गज का प्लॉट ये है। इसमें आपको 200 भी मिल जाएगा, 30 बाय 60 मिल जाएगा। अच्छा, हाँ एक ही अवेलेबल, एक इधर है और एक आगे है। तो इस ये नहीं मिलेगा, कम मिल जाएगा। ओके, इसमें भी एक ही, मैं बता रहा हूँ 120 फ्रंट है। हाँ। जितना आपको फ्रंट चाहिए, 30 फ्रंट चाहिए, गहरा जितनी चाहिए। हाँ। गहरा तो सेम रहेगी, 56-57 जो रहेगी, बस फ्रंट आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा इसमें, क्योंकि 120 फ्रंट है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा क्योंकि हमने जो प्लॉट निकाले सर, 30 बाय 56 तीन प्लॉट है सर, ये 3 या 4 प्लॉट निकलते हैं, 4 प्लॉट निकलते हैं 30-30-30 ना फ्रंट के हिसाब से। अगर आप फ्रंट इंक्रीज करते हो, 40 लेते हो या 35 लेते हो, तो उसमें मिल जाएगा आपको। ये कितनी है, 35 फीट रोड की? 30 रोड है, 22 फीट की रोड है। अच्छा, 22 फीट। हाँ, जिसमें साथ में नाली भी दी रखी है हमने। अच्छा, और ये क्या प्राइस है यहाँ का? यहाँ का 17,000 रुपये रेट है, 17,000 रुपये पर गज का रेट है, नेगोशिएबल होगा ना वो तो। हाँ जी, हाँ जी, ये पिछले प्लॉट दिख गए। हाँ सर, दिखा दीजिए आप जो जो अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ पार्क वगैरह भी बनाएंगे? और ये इसके पीछे कौन सा एरिया, मतलब किसी और के ज़मीन? फॉरेस्ट लैंड लगता है इसके पीछे। फॉरेस्ट लैंड है सर, ये सब फॉरेस्ट में आता है, पूरे ना जो भी झाड़ी है वो खड़ी हुई है ना सर। ये 33 फ्रंट है यहाँ से, ये फील है ना पत्थर की है। 33 फ्रंट है, गहरा 60 है इसकी, 210 के आसपास प्लॉट है। एक ये है फूफा जी, ये जहाँ से ये है ना, सरिया ना सर, वहाँ पे सरिया दिख रही है, और सरिया से फिर ये यहाँ पे, ये कितना है? ये 33 फ्रंट है सर इसका, और गहरा इसकी 60 है, 210 के आसपास पड़ेगा, 210 गज है। वो जो उस तरफ के हैं वो सारे निकले हुए हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे एक प्लॉट है, डिफरेंट उसका 25 है, और गहरा इसका 80 है। नहीं तो ज़्यादा ही जाएगा ना। और वो इसमें ये कि मैंने पीछे जो है ओपन एरिया है आपका, ओपन तो इसमें भी होगा ना। हाँ, फॉरेस्ट लैंड लग रहा है, तो पीछे की वाटर चलता रहता है कंटिन्यूसली, वो वाटरफॉल से पानी आता है। तो ये वाला ठीक लग रहा है ना, ये वाला ठीक लग रहा है, इसमें फ्रंट कितना भी निकलवा लो। हाँ ये वाला यहाँ तक आएगा, देखो ये जड़ जो है ना पुश्ते की, यहाँ तक आएगा ये लैंड, क्योंकि हम नीचे से लेंगे ना। अच्छा, ये यहाँ तक आएगा लैंड? हाँ, क्योंकि ये दुकान ना पुश्ते इस शेप में आ रखा ना। वो तो मैं समझ गई, तो भरान तो करवानी पड़ेगी ना यहाँ पे। अगर ये बताता हूँ, जैसे अगर ये पुश्ता हटा के हम इसको अगर थोड़ा यहीं पे रख देते हैं ना, स्ट्रेट कर देते हैं, तो भरान की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी की मिट्टी जो खुदेगी ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब आप भरान करके देंगे, जो प्लॉट लेगा वो करा खुद कराएगा, उसने खुद करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको सेल्ड किया है, उनकी भी लैंड यहाँ तक आ रही है, तो उनका क्या है कि ये पत्थर उठा के यहीं पे करने हैं उनको, बस उठाना है बस। कहाँ तक आ रही है आपने कहाँ बताया? मैम ये देख लीजिए, यहाँ तक आएगी। अच्छा, जो ये है ये? हाँ, ये जो इसकी जड़ है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे में लगा हुआ है। अच्छा, बाकी इसके बाद जो पुश्ते के यहाँ पे है हमारा, जो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट लैंड स्टार्ट होता है वो पीछे की साइड में जाओगे ना, वो जो वो पुश्ता दिख रहा है। हाँ। वो नाले नाले वाला है। हाँ, ना उसके बगल में तो फिर नाला जाता है, पर इसके यहाँ तक सामने तक ना पुश्ता लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हम लोगों ने माल देवता वाली प्लॉटिंग देखी है, आप लोग को मैंने दिखाई भी है साथ में। इसमें 22 फीट की चौड़ी रोड है और कुछ ही प्लॉट्स इसमें बचे हैं, बाकी इसमें दुकान के लिए भी हैं, जो अभी आप लोग को मैंने दिखाई थी, ये पीछे दुकानें हैं स्टार्टिंग में ही, तो उसका प्राइस अभी पता नहीं है, लेकिन बाकी प्लॉट्स का जो प्राइस है वो 17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है, यानी कि 17,000 रुपये पर गज। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग भी देख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी जिनकी ये प्लॉटिंग है, आप आगे बात कर सकते हैं।
ना ना वही ना, मैंने कहा ये बेचारे अपने लगे हुए हैं, ये तो इनकी अपनी वो कौन सा रेस्टोरेंट था पीछे, दिल की आवाज। अच्छा, हमने दिल की आवाज से आगे आए हैं और फिर यहाँ पर हम लोग मुड़ गए थोड़ा सा आगे जाके। यहाँ पे एक ये बोर्ड भी लगा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये ऋषिकेश, देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पसंद करते हैं जो बना रखे हैं। ये है दिल की आवाज रेस्टोरेंट, आप आ सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा प्लॉट देखने जा रहे हैं जहाँ पर हमारा भी प्लॉट है, तो आपको लेके चलते हैं उस प्लॉट में जो कि प्रेमनगर से आगे है, सुद्धो वाला से थोड़ा सा और आगे, मतलब सुद्धो वाला से अंदर जाके मांडो वाला है वहां पर पड़ता है। आपको रास्ता भी दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बोल दो व्यू, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करना, तो हम लोग प्रेमनगर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सुद्धो वाला, और गाड़ी बहुत ज्यादा भगाई जा रही है क्योंकि हम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे पीछे, तो ये बंदा थोड़ा इरिटेट हो गया है ट्रैफिक में। लेके चले सबको, लेके चले सबको, चलो। ये पहुंच गए हम सुद्धो वाला चौक में, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं सुद्धो वाला अंदर। तो एक यहाँ रास्ता मुड़ता है लेफ्ट की साइड, यहाँ भाव वाला का मार्केट पड़ता है, और हमारा जो प्लॉट है वो इस तरफ है, सीधे हमें जाना है मांडो वाला की साइड। एलए सिटी आपने नाम सुना होगा, अगर कॉलोनी है पूरी, वो भी आपको दिखाएंगे। उस तरफ हम लोगों को जाना है, उससे 1 किलोमीटर पहले। तो ये है हमारी प्लॉट की साइट, देखिए, और ये वाला है हमारा प्लॉट जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। विवियन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ बेटा, देखिए ये है हमारा प्लॉट। ये देखिए, ये पीछे पूरा फॉरेस्ट का एरिया है जो कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, और बहुत सुंदर है यहाँ पर, मतलब बहुत शांति वाला इलाका है। ठीक लग रहा है वो प्लॉट, बढ़िया, अच्छा बनेगा इस मकान, अच्छा बनेगा। हाँ, पजामा निकल गया व्यू का। ओहो, क्या मेरे बच्चे का पजामा निकल गया? हाँ। चलो ऊपर करो, ऊपर करो, पैंट ऊपर करो। हो गया, हो गई। हाँ। जाओ पापा पास।
अंदर आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो अब ये देखिए ये हमारा प्लॉट है, ठीक है। ये 20 फीट की चौड़ी रोड है, यहाँ गाड़ी खड़ी है, मैं आपको बाहर तक दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, ये पूरी 20 फीट की चौड़ी रोड है, ये वाला प्लॉट भी बिक चुका है, और जो वो वाली बेल्ट के प्लॉट्स हैं, वो वाली बेल्ट के प्लॉट्स बचे हुए हैं। देखिए अब ये रोड यहाँ से ऐसे जाएगी, एंड ये वाले सारे प्लॉट निकल चुके हैं उस वाली बेल्ट के, और यहाँ वाले, और ये इधर वाले कुछ प्लॉट्स बचे हुए हैं। देखिए हमारी प्लॉट के पास लूसिन जो है, ये ग्लोबल डिफेंस एकेडमी भी है यहाँ पर, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी और लूसिन। ओके, ये देखिए ये कुछ ही मीटर की दूरी पर है। देखिए एलए सिटी जो मैं आपको बता रही थी वो ये है, ये देखिए यहाँ बहुत कॉस्टली घर है, बहुत कॉस्टली। तो अभी मैंने आप लोग को प्लॉटिंग दिखाई है, ये मैंने आप लोग को बता दिया कि कासा हिल्स वाले की प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने भी यहीं पे प्लॉट लिया है, तो इसलिए बुआ को भी हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे कि आप एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए कि आपको कैसी लगती है। बाकी अब देखते हैं, घर जाके डिसाइड करेंगे अगर उनको कोई पसंद आई है प्रॉपर्टी या नहीं, या कहीं और देखनी है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वो भी प्लॉटिंग देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।